Hello students, how are you all? Welcome to SK English Classes Test Analysis Series. And today we will discuss our fillers sheet, and this is a sheet number of 6 of fillers. So start karte hain discussion. Hamara jo first question hai, wo hai, the NIC units are detached dash the main group of companies. ठीक है, क्या कहता है, द निक यूनिट्स जो छोटी यूनिट्स हैं आर डिटैच्ड, वो डिटैच्ड हो गई, वो अलग हो गई डैश द मेन ग्रुप. मेन ग्रुप जो था कंपनी का, उन कंपनीज के मेन ग्रुप से जो है जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं वो डिटैच्ड हो गई हैं. डिटैच का मतलब होता है अलग होना. ठीक है, तो जब डिटैच या सेपरेट या डिफर या एब्सटेन इस तरीके की चीज़ आ जाती है, यानी कि जो अलग दिखाती है, कोई चीज़ दूसरी चीज़ से सेपरेट होती है, डिफ़र हो जाती है या एब्सटेन हो जाती है, डिटैच हो जाती है, तो ऐसे में जो वो वर्ड होता है उसके बाद जो हम प्रेपोजिशन लगाते हैं वो लगती है फ्रॉम. ठीक है, जैसे हम यूज़ करते हैं सेपरेट फ्रॉम, डिफर फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम. ठीक है, इसी तरीके से हम यूज़ करते हैं डिटैच्ड फ्रॉम. ठीक है, तो यहाँ जो हमारा सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, द निक यूनिट्स आर डिटैच्ड फ्रॉम द मेन ग्रुप ऑफ कंपनीज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर सक्सेस. तो जब कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं यानी कि किसी को बधाई देते हैं, तो उसके बाद जो प्रेपोजिशन लगती है वो क्या लगती है, कॉन्ग्रेचुलेट के बाद ऑन. लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, शी हैड ऑलवेज होप्ड दैट हर डॉटर वुड बिकम डैश डॉक्टर. तो डॉक्टर क्या है, एक नाउन है. कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है. ठीक है, कोई अगर फीमेल की डॉक्टर है तो उसको भी हम जो है डॉक्टर ही बोलते हैं. ठीक है, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं हम उनको डॉक्टर बोलेंगे, जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं उनको भी डॉक्टर बोला जाता है. तो जब एक टर्म जो कॉमनली यूज़ होती है तो वो एक कॉमन नाउन बन जाती है. ठीक है, तो कॉमन नाउन से पहले जो है हम जो आर्टिकल लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे ए. ठीक है, क्यों लगाएंगे, इसमें लगाएंगे डॉक्टर से पहले ए, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड है. अगर यहाँ पे एक वोवल साउंड देता तो हम क्या लगाते, एन, लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, ए. ठीक है, दा यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, दा यहाँ इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि दा लगाने से स्पेसिफिक हो जाती हैं चीज़ें. ठीक है, डेफिनेट हो जाती हैं. जैसे अगर मैं बोलूँ द डॉक्टर ऑफ माई फैमिली, द डॉक्टर ऑफ माई फैमिली मतलब कौन सा डॉक्टर, मेरी फैमिली वाला डॉक्टर, तो वो स्पेसिफिक बना दिया मैंने उसको. ठीक है, द डॉक्टर ऑफ माई फैमिली, लेकिन यहाँ पे जो है कोई स्पेसिफिक डॉक्टर की बात नहीं कर रहा है. वो क्या कह रहा है कि शी हैड ऑलवेज होप की उसकी हमेशा से इच्छा थी दैट हर डॉटर की उसकी जो डॉटर है वुड बिकम अ डॉक्टर. तो यहाँ क्या आ जाएगा, अ. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, ड्यू टू हैवी रेन्स वाटर हैड डैश इन द लो लाइंग एरियाज. ज़्यादा बारिश होने की वजह से वाटर जो है वो डैश हो गया लो लाइंग एरियाज में, यानी कि जो एरियाज नीचे की ओर थे. ठीक है, उनमें पानी डैश हो गया, तो गैदर्ड हो गया, इकट्ठा हो गया, हो सकता है. स्टैग्नेटेड का मतलब होता है स्थिर हो जाना, तो स्टैग्नेटेड जो है यहाँ पे नहीं आएगा. स्टैग्नेशन का वर्ड हम यहाँ वहाँ यूज़ करते हैं जब, जैसे इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी में जब एक डेडलॉक आ जाता है. ठीक है, जब प्रोग्रेस नहीं होती है. ठीक है, इन जो चीज़ें हैं वो बढ़ती नहीं हैं. ठीक है, तो ऐसे में हम यूज़ करते हैं स्टैग्नेशन. ठीक है, स्टैग्नेट सिचुएशन बोला जाता है, स्टैग्नेशन की सिचुएशन उसको बोला जाता है. तो वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इसका यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, असेंबल्ड का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ना और एक नई चीज़ बना देना, तो असेंबल नहीं आएगा. एंटर्ड के बाद जो है इन नहीं आता, इसलिए एंटर्ड भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट है, मैनी पीपल हु डैश पार्टिसिपेटिंग फोटोग्राफी एज ए हॉबी टर्न इट इवेंचुअली इन टू ए लाइवलीहुड. कहता है कि जो लोग डैश करते हैं प्रैक्टिसिंग को, फोटोग्राफी की प्रैक्टिसिंग को डैश करते हैं एज ए हॉबी, तो वो क्या हो जाते हैं इवेंचुअली एट लास्ट वो उस चीज़ को अपना लाइवलीहुड बना लेते हैं, अपना कमाई का जरिया बना लेते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या रखा है, मैनी पीपल हु रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब होता है कोई एक चीज़ स्टार्ट हुई फिर उसको पॉज कर दिया, उसको वहीं पे रोक दिया, और फिर से जब वो चीज़ स्टार्ट की जाती है तो उसको लिए बोलते हैं हम रिज्यूम. ठीक है, तो यहाँ पे रिज्यूम की बात नहीं है. ठीक है, क्योंकि हमें पहले इस चीज़ की सेंस हमें नहीं मिल रही कि कोई चीज़ पहले स्टार्ट हुई थी, पॉज हो गई थी, उसके बाद उसको स्टार्ट किया गया, ऐसा कोई सेंस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा. प्रेफर जो है, प्रेफर के बाद टू लगता है, तो यहाँ पे
प्रेफर के बाद टू जो है कुछ नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी नहीं आएगा। मैनी पीपल हु इम्प्लाई, इम्प्लाई का मतलब होता है कोई चीज़ इंडिकेट करना, इम्प्लाई मीन्स अभिप्राय, तो यहाँ पे ये सेंस नहीं देता, यहाँ पे ये वर्ड फिट नहीं रहेगा। यहाँ क्या रहेगा, मैनी पीपल हु स्टार्ट, मैनी पीपल हु स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फोटोग्राफी, ऐसे मतलब बहुत से लोग जो स्टार्ट करते हैं फोटोग्राफी को प्रैक्टिस के तौर पे, वो एट लास्ट उसको क्या बना लेते हैं, अपनी लाइवलीहुड बना लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है शी इज़ डैश विद लिजार्ड, वो जो है लिजार्ड से क्या होती है, डैश होती है, फियरफुल होती है, फ्राइटेंड होती है, अफेयर्ड होती है, टेरिफाइड होती है। देखो फियरफुल ऑफ समथिंग होता है कि फियरफुल है, किसी चीज़ से भरा हुआ है, तो फियरफुल विद नहीं आएगा। ठीक है, अफेयर्ड ऑफ होता है, तो अफेयर्ड ऑफ यहाँ पे विद दे रखा है, तो अफेयर्ड नहीं आएगा। फ्राइटेंड के बाद जो है जो हमारी प्रेपोजिशन लगती है, वो लगती है ऑफ, बाय, एट, फॉर और अबाउट। ठीक है, फ्राइटेंड के बाद जो है विद की प्रेपोजिशन बहुत कम यूज़ होती है, ना के बराबर यूज़ होती है, तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो होता है ऑफ, फ्राइटेंड ऑफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बचता है टेरिफाइड विद, शी इज़ टेरिफाइड विद लिजार्ड, टेरिफाइड के बाद विद यूज़ होता है, शी इज़ टेरिफाइड विद लिजार्ड कि वो छिपकली से डरती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हिज पाथ वॉज बी सेट डैश डिफिकल्टीज, बी सेट का मतलब होता है घिर जाना, कवर हो जाना। ठीक है, किसी चीज़ से कोई चीज़ कवर हो जाना या घिर जाना, भर जाना। ठीक है, हिज पाथ उसका जो रास्ता है वॉज बी सेट, वो भरा हुआ था किस चीज़ से, डिफ़िकल्टीज से, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम बी सेट विद, किस चीज़ से भरा हुआ था वो विद लगाएंगे, और फिर वो डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बता रहा है, तो विद डिफ़िकल्टीज़, बी सेट विद डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द प्लान इज़ वर्थ कंसिडरिंग, थिंक डैश इट केयरफुली, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, थिंक ओवर इट केयरफुली, थिंक ऑफ नहीं, थिंक ओ डबल एफ तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, थिंक ऑन इट केयरफुली नहीं आएगा, थिंक ओवर इट। ठीक है, जो सही फ्रेज यूज़ होगा वो क्या होगा, थिंक ओवर इट केयरफुली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द प्रिस्ट वॉज इनोसेंट डैश ही कुड नॉट प्रूव इट, जो प्रिस्ट था वो इनोसेंट था डैश ही कुड नॉट प्रूव इट, लेकिन इस चीज़ को वो प्रूव नहीं कर पाया। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रिस्ट इनोसेंट था, यहाँ दे रखा है कि वो इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाया। तो जब दो अपोजिट चीज़ें हम जोड़ते हैं तो किससे जोड़ते हैं, बट से जोड़ते हैं, एंड से नहीं जोड़ते, क्योंकि एंड जो है सेम चीज़ों को जोड़ता है। ठीक है, फोर और सो की यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, क्योंकि सो के बाद जो है एक कंडीशन, एक दूसरी बात आनी चाहिए दैट लगा के, तो यहाँ पे सो नहीं आएगा। फोर की यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, बट, द प्रिस्ट वॉज इनोसेंट बट ही कुड नॉट प्रूव इट। ठीक है, नेक्स्ट है आई थिंक आई एम डैश यंग टू गेट मैरिड, तो देखो क्या कह रही है, मुझे लगता है कि मैं अभी शादी के लिए बहुत छोटा हूँ, अभी शादी के लिए बहुत छोटा हूँ, तो यहाँ पे एक जो टू है, ये वाला टू है, इसका जो पेयर बनेगा वो किससे बनेगा, टी डबल ओ टू से बनेगा। ठीक है, टू और टू का पेयर जो होता है वो नेगेटिविटी दिखाता है, नेगेटिव दिखाता है। ठीक है, और यहाँ पे भी बात यही कर रहा है, नेगेटिव बता रहा है, नकारात्मक चीज़ बता रहा है। ठीक है, उस चीज़ को डिनाई कर रहा है, किस चीज़ को डिनाई कर रहा है, कि भाई वो अभी शादी के लिए बहुत छोटा है, इस चीज़ के बारे में बता रहा है वो। तो आई थिंक आई एम टू यंग टू गेट मैरिड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी डबल ओ टू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द पायलट वॉज नॉट फीलिंग सो वेल, द पायलट वॉज नॉट फीलिंग सो वेल बिफोर ही डैश इन हीज हेलीकॉप्टर, तो देखो दे रखा है टुक अवे, टुक ओवर, टुक ऑफ, टुक अप, तो हमें पता है कि जब हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, एयरप्लेन्स जो हैं अपनी उड़ान भरते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेक ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि पास्ट है इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे, टुक ऑफ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, आई नीड टू बाय डैश, मुझे ज़रूरत है खरीदने की, क्या बात हो रही है यहाँ पे, सभी ऑप्शंस में ब्रेड की, ब्रेड जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे फर्नीचर है, स्पेक्टिकल्स है, पैंट्स है, जीन्स है, ठीक है, बाइनोक्यूलर्स हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन ना तो सिंगुलर होते हैं ना ही प्लूरल होते हैं। ठीक है, इनको सिंगुलर ट्रीट करने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स का इनके आगे यूज़ करते हैं, और इस तरीके से उनको हम सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, तो इनसे पहले जो है ना तो कोई ए या एन लगता है,
ना ही कोई 1, 2, 3 इस तरीके से कुछ भी लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए बी में ए और जो आर्टिकल ए लगा रखा है वो गलत लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी जो है हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। और जैसे कि बताया कि क्योंकि ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है तो इनको एस आई एस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी लोफ ऑफ ब्रेड, सॉरी यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे ए जो है ब्रेड के लिए नहीं लगा, यहाँ पे लगा इस लोफ के लिए, तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, अ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है, अ लोफ ऑफ ब्रेड, यहाँ पे इसको अ लोफ ऑफ लगा के जो है इसको सिंगुलर बनाया गया है, ठीक है। लोफ से पहले ए नहीं लगाया गया लेकिन हमें यहाँ लगाना है, क्यों, क्योंकि सिंगुलर ट्रीट करना है ना हमें इसे, तो अ लोफ ऑफ ब्रेड लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, मेडिकल साइंस हैज़ डैश ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट डेथ, कहते हैं मेडिकल साइंस जो है डैश कर चुकी है ऑलमोस्ट हर चीज़ पर एक्सेप्ट डेथ, सिर्फ डेथ को छोड़कर, तो मेडिकल साइंस हर चीज़ पर डैश कर चुकी है बजाय के डेथ पर, तो सरेंडर कर चुकी है, सरेंडर का मतलब तो होता है गिव अप कर देना, हार मान जाना, तो मेडिकल साइंस हार मान चुकी है बजाय की डेथ से, यानी कि डेथ से उसने हार नहीं मानी है, बाकी सबसे हार मान चुकी है, तो यहाँ पे इसी कोई सेंस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें कि मेडिकल साइंस हैज़ कनकर्ड का मतलब होता है विजयी हो जाना, विजेता हो जाना, कि हर चीज़ को जीत चुकी है लेकिन सिर्फ किसको नहीं जीत पाई डेथ को, ठीक है। यहाँ पे सेंस बिल्कुल बना रहा है कि मेडिकल साइंस हर चीज़ पर जीत तो हासिल कर चुकी है, ठीक है, जो पेशेंट मर रहा हो, जिसकी थोड़ी सी एज कम रह गई हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मेडिकल साइंस के जरिए जो है उसकी उम्र को और बढ़ा सकते हैं, लेकिन एट लास्ट उसकी डेथ तो निश्चित ही है, तो मेडिकल साइंस उस डेथ को नहीं रोक सकती, उस डेथ की ड्यूरेशन को आगे बढ़ा सकती है लेकिन उस डेथ को नहीं रोक सकती, ठीक है। तो यहाँ पे बी की साइंस बिल्कुल सही है, कंट्रोल, मेडिकल साइंस हर चीज़ को कंट्रोल कर चुकी है लेकिन डेथ को नहीं, मेडिकल साइंस हर चीज़ को क्रश कर चुकी है, रोंद चुकी है लेकिन डेथ को नहीं, तो यहाँ पे जो है सही वर्ड जो रहेगा वो क्या रहेगा साइंस के अकॉर्डिंग, कनकर्ड, कि हर चीज़ को जीत चुकी है लेकिन डेथ को नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, टू ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विदाउट इंक्वायरिंग इन टू द प्रॉब्लम इज लाइक टेकिंग ए कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट विदाउट डैश द डिजीज़, कहते हैं कि टू ट्राई टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना विदाउट इंक्वायरिंग इन टू द प्रॉब्लम, बजाय कि ये जाने कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना बजाय कि ये इंक्वायरी किए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, ये ठीक उसी तरीके से है टेकिंग ए कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे कि एक ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं लेकिन हमें क्या नहीं पता कि एक्चुअल में डिजीज़ क्या है, विदाउट डैश द डिजीज़, बजाय ये जाने कि डिजीज़ क्या है तो ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना, तो इसी तरीके से एक प्रॉब्लम को हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि हमें पता ना हो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो जब ट्रीटमेंट से पहले डिजीज़ का पता लगाया जाता है, ठीक है, उसकी जड़ का पता लगाया जाता है तो उसको बोलते हैं डायग्नोसिंग, ठीक है, डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस में क्या होता है, बीमारी का पता लगाया जाता है, एक्चुअल उसकी वजह क्या है उसका पता लगाया जाता है और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, ओवर मंथली एक्सपेंडिचर डैश बाय 500 रुपीज़ व्हेन वी डिसाइडेड टू बाय मिल्क फ्रॉम द मिल्कमैन, कहते हैं कि जब हमने ये डिसाइड किया कि हम मिल्कमैन से मिल्क खरीदेंगे तो हमारा जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो 500 रुपीज़ से बढ़ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या रखा है, लिफ्ट अप जो होता है हम यूज़ करते हैं तब जब हम फिजिकली कोई चीज़ को उठा के किसी दूसरी जगह पर रखते हैं, जैसे आई लिफ्ट अप द डंबल कह सकते हैं हम, या बंडल भी बोल सकते हैं, कि अगर मैं बोलूं कि मैं इस बंडल को लिफ्ट अप कर रही हूं तो आई लिफ्ट अप द बंडल, आई लिफ्ट अप द डंबल, ठीक है। तो ऐसे में फिजिकल कोई चीज़ उठा के किसी दूसरी जगह पर रखने में यूज़ करते हैं हम लिफ्ट अप का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ग्रू अप, तो ग्रू अप जो एक फ्रेजल वर्ब है उसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम बोलते हैं कि ग्रो अप कर जाओ, यानी कि थोड़ा समझदार बन जाओ, ठीक है, थोड़े बड़े हो जाओ, तो ग्रो अप का सेंस जो है उसमें आता है, ठीक है। ग्रो अप का सेंस जो है हम पालन पोषण में भी इसको यूज़ करते हैं, इस वर्ड को, इस फ्रेजल वर्ब को, ठीक है। तो इसको यहाँ नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा। सी की बात करें, शॉर्ट अप जो हम यूज़ करते हैं तो तब यूज़ करते हैं जब एक ह्यूज और एक सडन इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, एक सडन इंक्रीमेंट हुआ, बहुत तेज़ी से उछाल आ गया और वो उछाल जो है इतना तेज था, इतना ज़्यादा था कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो तब हम शॉर्ट अप वर्ड का यूज़ करते हैं। इकोनॉमी में जो है शॉर्ट अप वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है,
कि चीज़ों में उछाल आ जाना, प्राइस में उछाल आ जाना, तब हम शॉर्ट ऑफ वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा उछाल है, बाय 500 रुपीज़, 500 रुपये का ही उछाल है, ठीक है। तो इसीलिए शॉर्ट ऑफ वर्ड का हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, गॉट अप का, ठीक है, कि जो एक्सपेंडिचर है वो गेट अप हो गई, यानी कि बढ़ गई, गॉट अप हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द पीपल लुक्ड वेल इनफ बट वेन वन लुक्ड मोर क्लोजली वन सा दैट देयर फेसेस वर फिल्ड विद डेस्पेयर। कहता है कि डैश द पीपल लुक्ड वेल इनफ, कि लोग जो हैं देखने पर लगते हैं कि ठीक ठाक हैं, बट वेन वन लुक्ड, लेकिन जब एक बंदा देखता है उनको नज़दीक से, मोर क्लोजली वन सा, तो एक बंदा वो देख सकता है, क्या देख सकता है, दैट देयर फेसेस, कि जो उनके फेसेस हैं वर फिल्ड विद डेस्पेयर, उनके फेसेस जो हैं वो उदासी से भरे हुए हैं, ठीक है। यानी कि बोलना चाह रहा है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को देखता है ना, तो एक 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 साइड पर अगर वो देखता है, एक एक अपीयरेंस में देखता है, एक झलक उसको देखता है, तो हम उसके बारे में इतनी बात नहीं पता लगा सकते, लेकिन जब हम उसको नज़दीक से देखते हैं तो अब हमें पता चलता है कि उसमें कितनी उदासी भरी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जब साइट की बात करते हैं तो उससे पहले लगता है एट साइट, ठीक है। तो यहाँ क्या लग जाएगा, एट फर्स्ट साइट, एट फर्स्ट साइट। तो ऑप्शन नंबर जी बी जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है जी, एट फर्स्ट साइट। नेक्स्ट है, द चेयरमैन ब्रश्ड डैश माई सजेशन। चेयरमैन ने जो है मेरे सजेशन को डैश कर दिया। तो जब सजेशन को रिफ्यूज़ किया जाता है, मना कर दिया जाता है, तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज़ होता है ब्रश असाइड, ब्रश असाइड, ठीक है। ब्रश आउट का मतलब होता है चीज़ों को हटा देना, ठीक है, ब्रश आउट कर देना। ब्रश ओवर का मतलब कोई ऐसा सच कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है। ब्रश ओवर हम ये बोल सकते हैं कि टेक ए स्ट्रोक ऑफ ब्रश ओवर ऑन द पेंटिंग वॉल, मीन्स एक ऊपर से जो है एक स्ट्रोक लो पेंटिंग का, ब्रश का, ठीक है। तो ऐसा ब्रश ओवर जो है यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे पेंटिंग की कोई बात भी नहीं हो रही है। यहाँ पे ये बोल रहा है सजेशन को डैश कर दिया, तो सजेशन को क्या कर दिया, ब्रश असाइड कर दिया, ठीक है। द चेयरमैन ब्रश्ड असाइड माई सजेशन, 17 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, शी पोलाइटली आस्क्ड हिम डैश। उसने जो है पोलाइटली आस्क, उसको कहा, क्या कहा, टू लीव हर हैंड, उसका हाथ छोड़ने के लिए उसने बोला कि उसका हाथ छोड़ दे। टू गिव अप हर हैंड, तो गिव अप जो होता है वो हार मान जाना होता है, तो उसका हाथ जो है हार मान जाए, ऐसा नहीं है। टू रिलीज़ हर हैंड, रिलीज़ का मतलब होता है बरी करना, तो उसका उसने उसको पोलाइटली कहा कि मेरा हाथ को जो है बरी कर दो, नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी की बात करें, टू लेट हर हैंड गो, कि मेरे हाथ को जाने दे, तो यहाँ पे लेट हर गो भी नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू लीव हर हैंड, ठीक है, उसने अपने हाथ को छोड़ने के लिए उसे पोलाइटली आस्क किया, उसे कहा, शी पोलाइटली आस्क्ड हिम टू लीव हर हैंड, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स डैश हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो अनहाइजीनिक यानी कि जो साफ सफाई के साथ नहीं है, ठीक है, अनहाइजीनिक है, तो इस तरीके की जो सराउंडिंग्स होती है वो हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्या कर देती हैं, डैश कर देती हैं। गिव राइज टू, बढ़ा देती हैं, हो सकता है। ब्रिंग इन टू, ब्रिंग, तो ये फॉर्मेशन ही गलत है। कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, डिमांड करना, ठीक है, कोई चीज़ नेसेसरी बना देना। जैसे अगर मैं बोलूँ सक्सेस कॉल फॉर अ हार्ड वर्क, सक्सेस कॉल फॉर अ हार्ड वर्क, यानी कि जो सक्सेस है ना वो क्या डिमांड करती है, एक हार्ड वर्क डिमांड करती है। सक्सेस क्या डिमांड करती है, एक हार्ड वर्क डिमांड करती है, तो सक्सेस कॉल फॉर ए हार्ड वर्क, तो यहाँ पे कॉल फॉर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, डी का मतलब है सेट इन, जो सेट इन है, सेट इन का मतलब होता है स्टार्ट हो जाना, ठीक है, कि अनहाइजीनिक सराउंडिंग से हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है या हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो इन दोनों में से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अनहाइजीनिक सराउंडिंग से क्या हो जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, गिव राइज टू, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। द इंजीनियर्स डैश दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर। इंजीनियर जो हैं इस ब्रिज को बना रहे हैं लास्ट ईयर से, तो यहाँ पे टाइम डिनोशन है, सिंस दिया हुआ है, और ऐसे में जब सिंस या फोर देकर हमें टाइम दिया होता है तो हम किस टेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। द इंजीनियर्स हैव बीन रिपेयरिंग दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर। द इंजीनियर जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारे पास हैव भी जो है एक प्लूरल वर्ब अवेलेबल है, तो हम ऑप्शन नंबर सी को मार्क करेंगे, हैव बीन रिपेयरिंग दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, अपने सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए।
आप स्पीड ज़्यादा है स्पीड कम है क्या चीज़ समझ में नहीं आती है वो ज़रूर कमेंट में अपना लिखिए। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।